सो गाइस, आज हम लोग पोखरा की व्लॉग में जा रहे हैं। सो रास्ता निर्माण का कार्य हो रहा है इधर। सो आप लोग देख सकते हैं ऊपर में एक्सकावेटर अपना काम कर रहा है। अब यहाँ पर एकदम चौड़ा वाला रास्ता बनेगा, इसीलिए थोड़ा जाम लगे रहता है, पर कोई बात नहीं, जाएंगे एक घंटा साढ़े एक घंटा में आराम से पहुंच जाएंगे। तो आप सब लोग का स्वागत है मेरे इस चैनल मैप 200 में। सो गाइस, एक्चुअली हम नेपाल से हैं, पर हमें व्लॉगिंग बहुत पसंद है, और जितना ज़्यादा वाइडर अपना ऑडियंस रहेगा उतना हमें भी अच्छा रहेगा, इसीलिए हम आजकल ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में ब्लॉग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे नेपाल में भी जो ऑडियंस है वो तो नेपाली लोग हिंदी में हिंदी तो समझ ही जाते हैं, मगर जो हमारा इंडिया का सब्सक्राइबर है उन्हें थोड़ी दिक्कत हो जाती है जब हम नेपाली ब्लॉगिंग करते हैं। तो क्या करें, सबको एक साथ मिला के ले जाना पड़ता है। तो गाइस, यहाँ पर थोड़ा सा जाम लग गया है, वहाँ पर एम्बुलेंस है, हम लोग यहाँ से जा सकते हैं आराम से। सो आज तो हमने एम्बुलेंस को भी ओवरटेक कर लिया गाइस। एक्चुअली वहाँ पर थोड़ा हमारा बाइक जाने का रास्ता भी था, इसीलिए हम थोड़ी ही ओवरटेक कर लिए, मगर अब जब वो एम्बुलेंस आएगा ना हमारे पीछे, तब हम अपना साइलेंट डाल के उन्हें आगे जाने देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आजकल इस हाईवे में इंडियन गाड़ी, इंडियन बाइक, इंडियन मोटो ब्लॉगर्स मिलते रहते हैं। अच्छा लगता है जब कोई हमारा देश में आके ब्लॉग बनाता है, कुछ कुछ मेमोरी कलेक्ट करके ले जाते हैं। तो हमारा हिंदी उतना अच्छा तो नहीं है गाइस, और फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं एम्बुलेंस को कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा ज़्यादा थोड़ा उसको हरदम जल्दी ही रहती है, क्योंकि वो लोग ऑन अ मिशन में है ना गाइस। तो इसीलिए माइक्रो ने भी साइलेंट बाल के आगे जाने दिया। तो आज का ब्लॉग में मेरे पास है CCTV ब्लॉग, मेरा भाई जो पीछे बैठा हुआ है, हेलमेट लगाए हुआ है, क्या करें, ठंडी बहुत है ना गाइस। अभी नेपाल में विंटर का सीज़न चल रहा है, इसीलिए मौसम ज़्यादा से ज़्यादा ठंड पड़ गया है गाइस इधर। और सच में बोले तो आज यहाँ इस जगह दमोली में, जो पोखरा से एक घंटा दूर पड़ता है 50 किलोमीटर, यहाँ थोड़ी ही देर में सनराइज़ हुआ है। एक्चुअली सनराइज़ तो मॉर्निंग में भी हो गया था, मगर जो विजिबिलिटी था ना सन का विजिबिलिटी थोड़ी ही देर पहले हुआ है, लगभग 1 बजे के आसपास, इसीलिए ये जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा रहता है। इस जगह का एक खासियत है कि यहाँ पर गर्मी में एक्सेसिव गर्मी होता है, और ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडी होता है, क्योंकि ये लोकेशन जो है ना, यहाँ पर चारों ही दिशा से पहाड़ से घेरा हुआ है, बहुत लंबा जाम लगा हुआ है गाइस इधर आगे, पर होप हमारा बाइक को तो उतना परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा। उधर से माइक्रो आ रहा है, इसीलिए हम नहीं डालेंगे।
तो आगे रोड कंस्ट्रक्शन का काम एकदम जोर तोड़ से चल रहा है गाइस। तो आप लोग देख सकते हैं उधर रिटेनिंग वॉल का काम हो रहा है। नाली का काम, रिटेनिंग वॉल का काम। वहां पर एक दूसरा पुल बनेगा। सो गाइस, आज मुझे एक बात की कंफ्यूजन हो रहा है कि मैंने जो माइक जोड़ा है ना, मैंने जो आज माइक कनेक्ट किया हुआ है वो बोया का है। बोया का माइक में ऑडियो क्वालिटी एकदम बेहतरीन आता है ना, मगर हमें एक बात की हमेशा मन में डर लगी रहती है कि उसका वो जो स्विच होता है ना, वो ऑन है कि ऑफ है, वो चेक करना पड़ेगा थोड़ी देर में। क्योंकि अगर वो ऑफ रह जाएगा तो हम जितना ब्लॉग करेंगे ना, ये ऑन द वे हाईवे लाइव ब्लॉगिंग, उसका ऑडियो म्यूट हो जाएगा गाइस। जब ऑडियो ही प्ले नहीं होगा ना, तो राइड का उतना मज़ा नहीं आएगा। घर में जाके बैकग्राउंड ऑडियो जो रिकॉर्ड करना पड़ता है ना, उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है कि, क्योंकि लंबा रास्ता और उतना एक्सप्लेनेशन नहीं रहता है। क्योंकि यहाँ पर तो हम जिस जिस जगह पे हम अपने आँख से देखते हैं वहाँ का डिटेल हम बताते रहते हैं अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को। सो एनीवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज फ्रॉम व्हिचएवर प्लेस यू आर वॉचिंग। अगर आप लोग मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप लोग कंटिन्यूसली मेरा वीडियोस, ब्लॉग्स देखते रहते हैं तो थैंक यू सो मच इतना ढेर सारा प्यार के लिए। हम कैरी मिनाटी के जैसे तो नहीं ना बोलेंगे कि फूल फेंक के मारिए या पत्थर फेंक के मारिए, जो फेंक के मारिए, मेरा चैनल बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, वो हम नहीं बोलेंगे। क्योंकि हमें क्या लगता है कि अपना कंटेंट है, अपना वीडियो है, अपना प्लेस है, अपना बाइक है, अपना गोप्रो है, अपना हर चीज़ है, तो हम दूसरा का डायलॉग क्यों कॉपी पेस्ट करें गाइस। कुछ ऐसा करें कि दूसरे से थोड़ा अलग लगे, अपना फील लगे। खुद का वीडियो खुद बनाते हैं मगर लगता है कॉपी पेस्ट कर लिए हैं, तो वो तो अच्छा नहीं हुआ गाइस। तो यहाँ पर एकदम कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसीलिए रोड का ज़्यादा से ज़्यादा जगह इंगेज हो गया है, इसीलिए रास्ता भी उतना अच्छा नहीं है। तो अभी हम दमौली से सिर्फ 10 किलोमीटर ही दूर आगे चल पाए हैं। ऐसा रास्ता नियरली अब हमें और 40 किलोमीटर पार करना पड़ेगा। तो आप लोग को थोड़ी ही देर में हम फिर से कैचअप करेंगे जब थोड़ा अच्छा रास्ता मिल जाएगा। सो उतनी देर के लिए थोड़ा चाय ताय पीजिए, ठंडी के मौसम है, थोड़ा अपने आप को वार्म रखिए, घर में रहिए, हमारा वीडियोस देखिए, शेयर कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। क्योंकि इस संसार से हमें क्या लेके जाना है और क्या लेके आए थे, यही है ढेर सारा प्यार, जो सांस चलते तक आप हमें करेंगे और हम आपको करेंगे। सो गाइस, इस जगह का नाम है जामुने। जामुने जा मेरी जान, तुझको भुला दिया। सो आई होप नेपाली सब्सक्राइबर्स बुरा नहीं मानेंगे यदि हम हिंदी में भी ब्लॉग करेंगे तो, क्योंकि हम तो नेपाल का तो हर एक प्लेस के बारे में डिस्क्राइब करते ही हैं, और क्या बुरा ही हो गया यदि हम हिंदी में ही ब्लॉग करेंगे, वो भी तो एक लैंग्वेज है गाइस। और इंडिया थोड़ी ना हमारा दुश्मन है, हम तो सिर्फ देश विदेश से सरहद के लिए, बॉर्डर के लिए दूर हुए हैं, मगर ये संसार तो अपना ही जैसा लगता है। और संसार में जो भी आदमी है ना, सब हमारी दोस्त लोग, भाई, ओ भाई साहब जैसे लगता है।
सो आगे देख सकते हैं नेपाल का, नेपाल पुलिस का गाड़ी ऐसे आरंग में रहता है। तो गाइस अभी तक हमने चेक तो नहीं किया बोया का माइक ऑन है कि ऑफ है, हम कंटिन्यूसली दिए जा रहे हैं, मगर ऐसा नहीं हो कि बाद में जब हम वीडियो चेक करें लैपटॉप में घर में बैठ के तो इसका साला ऑडियो ही ना प्ले हो। तो चलो एक बार रोक ही लेते हैं, रोक के चेक कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर अच्छा रास्ता है। कैसा भाई दाड़ो बहरा था? तो गाइस हमने चेक कर लिया, हमारा माइक ऑन ही था। तो अभी हम जा रहे हैं अब नियरली यहाँ से वही 35-40 के आसपास में होगा डिस्टेंस पोखरा के लिए। आज हमने एक एक्स्ट्रा बैटरी जो हमने घर में चार्ज किए थे वो एकदम हरी में थे, हम एकदम जल्दी में हम वो घर पे ही भूल गए गाइस। इसीलिए अब हमें क्या लगता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आज हम पोखरा का वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाएंगे। वैसे तो हमने पोखरा का पहले ही ड्रोन वीडियो और लेक साइड का वीडियो और बहुत ज़्यादातर वहाँ का प्लेसेस को हम कैप्चर कर ही लिए हैं, पर क्या करें अब दिल तो नहीं ना मानता है, जब जाते हैं तब तब कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड करने का मन हो ही जाता है। तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में। हर जगह रास्ता एक्सटेंड हो रहा है, सो अभी थोड़ी देर में कुछ देर में हम लोग पहुंच जाएंगे थारपू। पहले ये रोड ऊपर से जाता था, अब यहाँ पर थोड़ा नीचे कर दिए, शायद यहाँ पर पुल ही बनाएंगे क्या करेंगे कि मिट्टी फिल करके रास्ता बनाएंगे, क्योंकि यहाँ का रिवर है, यहाँ पे एक रिवर है राइट साइड में, वो जो वाटर लेवल है ना खोला का वो जो जल स्तर होता है वो थोड़ा नीचे ही है। वाओ कस्तो दामी है यो ठाउँ, हेर न कस्तो दामी छ है। सो गाइस यहाँ का नजारा बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर बड़ा सा पहाड़ था उसको काट के फेंक दिया, पूरे आज हिंदी ब्लॉग हो नि त अनि ओ हेर त आमा मैदानै बनाइदियो त यार। सो गाइस देखिए ये पहले का रास्ता, अब ये बाद में जो बनेगा, और यहाँ पर पुलिया का काम हो रहा है, यहाँ पर पाइल फाउंडेशन होगा इसीलिए वहाँ पर पाइल के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ का घर, यहाँ का रास्ता ऐसा ही है। तो गाइस अब थोड़ी देर में हम लोग आ पहुँचेंगे, यहाँ का तनु का एक प्रसिद्ध माता का मंदिर है अकाला मंदिर, वो यहाँ से सिर्फ 30 सेकेंड्स दूर पड़ता है। तो देखिए आप लोग
सो ऊपर जो देख रहे हैं ना वही है अकला मंदिर। सो गाइस पहले यहाँ का रास्ता सिर्फ इतना ही था, अब ये रास्ता को ले जाकर वहाँ तक पहुँचा दिए। पूरा का पूरा रास्ता चौड़ा हो गया है। अब ये रास्ता बनने के बाद यहाँ का हर कुछ में बेहतर से बेहतर सेवा सुविधा रहेगा। तो थोड़ा हॉर्न बजा दिए क्योंकि एक ट्रेडिशनल नॉर्म्स एक वैल्यू है ना, जैसे कि हम लोग मंदिर में और जब कभी पूजा करते तो घंटी बजाते हैं ना, वैसा ही है हमारा बाइक है, इसमें घंटी तो नहीं है, इसमें हॉर्न तो है ना, तो जो है उसी से मैनेज करना पड़ता है। तो रास्ता थोड़ा स्लिपरी है आगे, उतना अच्छा नहीं है, इसीलिए वहाँ से जाने से अच्छा कि यही सूखी मिट्टी पर से अपनी एनएस को, अपनी धनु को लेके जाए, क्योंकि ऐसा ऐसा रास्ता में फिसलन का डर रहता है। तो ये क्या है गाइस, ये लोग क्या लेके आए हैं? Oh my God! The road is too much slippery around here. Too much muddy. देख सकते हैं दो रॉयल इनफील्ड है। हमने एक जगह पर पोस्ट पढ़ा था कि I was not born royal. हमने एक पोस्ट पढ़ा था कहीं पर, उसमें क्या लिखा था कि guys, I was not born royal, but My bike made me royal, रेगे। Royal Enfield, जो Royal Enfield चलाते हैं ना, वो Royal Family में बर्थ नहीं भी लेते हैं ना, तभी वो Royal ही रहते हैं कि। उसका कहने का तात्पर्य वो था, कहने का मतलब वो था। हाँ? लगता है ये लोग नेपाल आर्मी है, झोला तो वैसे लगता है, मगर वो खरीद भी सकते हैं। बहुत हो गया आप लोग का, आगे आगे अब आइए हमारे आप पीछे पीछे। तो गाइस हमने थोड़ा अब स्पीड अप कर लिया है क्योंकि हमें आज पोखरा पहुंचना है। आज पोखरा जाने का मेन मकसद क्या है कि हमारा ड्रोन का जो कंट्रोलर है ना DJI Mini 2, वो नियरली 4-5 महीने में ही ख़राब हो गया। हमने इसलिए हॉर्न बजाया क्योंकि उधर से बस आ रहा था और ये माइक्रो उधर जाने का कोशिश कर रहा था जो हम इधर से देख चुके थे। तो गाइस आप भी ऐसा राइड में यदि आप निकलते हैं तो ऐसे ही सबको हॉर्न बजा के अवेयर करना पड़ता है, आप भी कीजिएगा, धर्म होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग का लाइफ बच जाएगा आपकी एक हॉर्न मार से। तो हरदम गाड़ी के पीछे लिखा रहता है ना, हॉर्न प्लीज, ब्लू हॉर्न। तो ऐसा ही है नेपाल का रास्ता, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो ऐसा ही रहेगा ये जगह को। आफ्टर कंस्ट्रक्शन जब देखेंगे ना तब अच्छा लगेगा। और ये गाड़ी कहाँ जा रही है गाइस? गाड़ी है तो क्या अपनी मन मर्जी चलाओगे? सो गाइस अपना धनु का अब आज से इस बाइक का नाम हम नामसारी कर देते हैं धनु।
सो गाइस, आज से अपना धनु का एक वर्ष के लिए हमने रोड टैक्स क्लियर कर दिया है, तो अब हमें कहीं भी ट्रैफिक रोकेगा तो हम आराम से अपना ब्लू बुक दिखा सकते हैं, जिसमें हम वन ईयर का टैक्स क्लियर जब दिखा देंगे ना, तब वो लोग हमें कहीं भी नहीं रोकेंगे, मतलब हर चेकिंग में हमें जाने देंगे, उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज का पोखरा ब्लॉग कुछ लंबाई होने वाला है, जाइएगा जाइएगा। तो गाइस देखिए कैसे बेहतरीन बेहतरीन मकान सब बना हुए हैं इधर, इसीलिए तो कहते हैं ना, नेपाल गरीब जरूर है मगर यहाँ का आदमी बहुत धनी है। नेपाल भी गरीब थोड़ी ना है, जिस देश का आदमी ही रिच है धनी है वो देश कैसे गरीब हो सकता है, और जो देश ने इतना धनी धनी लोग को पैदा किया है वो देश कैसा गरीब हो सकता है गाइस। बाय द वे, नेपाल अपना नेचुरल ब्यूटी में एकदम धनी है, तो वही है कि साला यहाँ का पॉलिटिशियन लोग नेता लोग देश के बारे में नहीं सोचते हैं, सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, खुद का बैंक अकाउंट में बड़ा सा बड़ा डेवलपमेंट करते हैं देश को छोड़कर। तो गाइस अब थोड़ी देर में हम लोग खैरेनी बाज़ार, जो खैरेनी बाज़ार दमोल से 20 किलोमीटर दूर है ना, वहाँ पर आ पहुँचे। यहाँ पर भी उतना मौसम अच्छा नहीं है, ठंडी रहता है, देखिए ना पूरा आकाश ही पूरा ढका हुआ है, क्लियर ही नहीं है आजकल तो। सो यहाँ पर एक आर्मी का बेस कैंप है, श्री तीन बाहिनी अड्डा। तो गाइस खैरेनी बाज़ार ऐसा ही है, आप लोग देख लिए, अब यहाँ से ज़्यादा 30 किलोमीटर दूर है पोखरा। ये स्ट्रेट रास्ता जो है ना, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट होता रहता है, देखिए गाड़ी कितना स्पीड में वो उड़ा के लाए हैं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, कैसे रास्ता क्रॉस करते हैं गाइस, ये लोग कहाँ से आते हैं। कोतरे बाजार एंट्री हो चुके हैं, तो अब यहाँ पर से तनु और कास्की जिला सेपरेट होगा। ओ माय गॉड, कितना क्लोज क्लोज कॉल था वहाँ पर। सो इस गेट के बाद कास्की शुरू हो जाता है, कास्की में ही पोखरा पड़ता है। सो गाइस वेलकम टू कास्की। सो फाइनली हामी चाहिँ अब हैन तनु छोडेर चाहिँ कास्कीमा आइसकेको छौँ।